गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम योर हिंदी टीचर सत्यभामा फ्रॉम हैप्पी कैम स्कूल. स्टूडेंट्स, कल मैंने आप सभी का लेसन 10 एंड 11 का बुक वर्क का टेस्ट लिया था. आज मैं आप सभी का यानी सॉरी कल आप सभी का लेसन 9 और 8 के बुक वर्क का टेस्ट होगा. तो अगर मैं बात करती हूँ लेसन 9 की, तो वो है हमारा चतुर्चरवाहा. देखिए बच्चों, वैसे तो आप सभी बच्चों को ऐसा काम पूरा होना चाहिए, पर अगर नहीं है तब भी मैं आप सभी बच्चों के लिए इस लेसन का बुक वर्क का PDF सेंड करूंगी, दोनों ही लेसन्स का, 8 और 9 का. 10 और 11 का मैं ऑलरेडी आप सभी को भेज चुकी हूं. तो क्लास, अगर हम बात करें लेसन 9 की चतुर्चरवाहा, तो इस पार्ट में क्या है, मैं आपको थोड़ा से पार्ट की समरी समझाऊंगी. देखिए, चतुर्चरवाहा में एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसका नाम मनवा है और वो बहुत ही चतुर है. ठीक है, वो क्या करता है, उसे वो पहेलियाँ बूझता है. उसके पास कोई पहेली है जिस पहेली को बूझने के लिए वो उस पहेली को बूझने के लिए सोच विचार कर रहा है, तभी वहाँ से घुड़सवार गुजरता है. ठीक है, तो उस समय जब मनवा पहेली का जवाब उसे मिल जाता है, तो वो अपनी फर की टोपी ज़मीन पर फेंक देता है. अब जैसे ही फर की टोपी ज़मीन पर गिरती है, तो उधर से आता हुआ घुड़सवार का जो घोड़ा था वो बिदक जाता है, मतलब वो एकदम से घबरा जाता है घोड़ा, और घुड़सवार गिरते गिरते बचता है. तो ऐसे में घुड़सवार उस बच्चे यानी कि मनवा से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये अभी तो मेरे घोड़े को डरा देते. तो उसने कहा, वो बोला, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो चुपचाप अपनी भेड़े चढ़ा रहा हूँ. तो उसने घुड़सवार ने कहा, क्यों, क्या तुम बिना चुपचाप, तुम चुपचाप कहाँ हो, तुमने तो ये फेंका, तो क्या तुम जो अपने ये भेड़े चढ़ा रही हो, क्या तुम चुपचाप नहीं चढ़ा सकते, इतने इतना शोर करने वाली क्या बात है. तो इस पर मनवा ने कहा कि देखो, मैंने जानबूझ के तो आपके घोड़े को देखो डराया नहीं है. ठीक है, तो घुड़सवार ने बोला, फिर तुम चिल्लाए क्यों. तो उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. उसने पूछा, खुश क्यों. तो इसने कहा, क्योंकि मैंने एक पहेली का जवाब बूझ लिया. तो घुड़सवार ने पूछा, पहेली क्या थी. तो उसने बताया, पहेली यह है कि एक, उसने कहा कि आप पहेली सुनना चाहेंगे कि पहेली क्या है, यानी कि. तो मनवा बोला, वह क्या चीज़ है जो आदमी से भी ऊंची है और मुर्गी से भी छोटी है. उसने चरवाहे ने पूछा, किससे, घुड़सवार से पूछा. अब बेचारा घुड़सवार तो सोच में पड़ गया कि क्या होगा. तो घुड़सवार ने कहा, चलो ठीक है भाई, मैंने अपनी हार मानी, अब तुम बताओ क्या है. तो मनवा बोला, वह चीज़ जो कि ना तो आदमी से ऊंची है, ठीक है, मतलब आदमी से भी ऊंची है और मुर्गी से भी छोटी है, तो वो होती है हमारी टोपी. अब देखो, उसके पास फर की टोपी थी, इसलिए उसने फर लहा, फर कावना टोपी. देखो टोपी ऐसी है, चाहे कोई भी इंसान कितना लंबा क्यों ना हो, वो हमेशा उसे अपने सिर के ऊपर ही पहनेगा. ठीक है, और अगर उसे वो ज़मीन पर रख दे तो वो टोपी मुर्गी से भी छोटी हो जाती है. ठीक है ना. तो इस तरह से जब घुड़सवार ने मनवा का ये जवाब सुना, तो बहुत ही खुश हुआ. तो उसके दिमाग में भी एक पहेली आई, उसने उससे कहा, अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए, मेरे पास तुम्हें मेरे काम करना होगा, तुम भेड़ चढ़ाते हो ना. तो उसने, मनवा ने कहा हाँ. तो घुड़सवार ने कहा कि तुम्हें अब एक ऐसी भेड़ चुननी होगी मेरे लिए जो ना तो सफ़ेद हो, ना काली हो, ना चितकबरी हो, ना भूरी हो. तो मनवा ने कहा, ठीक है, आप अगले सप्ताह आ जाइए, आपको अपने किसी भी आदमी को भेज दीजिएगा, आपको वैसी ही भेड़ मिलेगी जैसे आपने भेड़ चाहते हो. सॉरी बच्चों, अगले हफ्ते नहीं कहा था, कहा था कल, सॉरी, इट्स माई मिस्टेक. तो यानी कि घुड़सवार ने मनवा से कहा कि कल मैं इसी रास्ते से गुजरूंगा, तो तुम कल मेरे लिए सबसे अच्छी भेड़ निकाल के रखना, जो कि ना काली हो, ना सफ़ेद हो, ना भूरी हो, ना चितकबरी हो. उसने कहा, ठीक है. अब अगले दिन क्या हुआ, जब घुड़सवार आया, तो उसने पूछा, मनवा से पूछा, ठीक है, क्या तुमने मेरे लिए ऐसी भेड़ चुन ली, भेड़ ले आए तो मेरे लिए. मनवा ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, पर आप अपने आदमी को लेने के लिए भेज देना, पर लेकिन ना तो वो सोमवार को आए, ना मंगलवार को, ना बुधवार को, ना वीरवार को, ना शुक्रवार को, ना शनिवार को, ना इतवार को.
अब इन दिनों को छोड़कर वो किसी भी दिन आकर भेड़ को लेके जा सकता है। तो मनवा का ये जवाब सुनकर घुड़सवार जो है बहुत खुश हुआ। भाई खुश होने की वजह थी, देखो जिस तरीके से घुड़सवार ने डिमांड करी थी बकरी की, उसने मांग करी थी बकरी की, ऐसी बकरी तो नामुमकिन है ना, क्योंकि बकरियों चाहे चितकबरी हो, भूरी काली सफ़ेद रंग की होती ही होती है। अभी थोड़ा ना संग की ऐसी किसी भी रंग की ना हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। सेम वैसे ही मनवा ने भी उसका जवाब वैसा ही दिया। मनवा ने भी कहा ठीक है आपको इन सातों दिनों को छोड़ो किसी भी दिन में आ जाना। अब आपको पता है हफ्ते में 7 दिन होते हैं और इन्हीं 7 दिनों को मिला करके तो पूरे महीना बनता है। तो इस तरीके से घुड़सवार मनवा से बहुत खुश हुआ और उसने उसे अपने पास से सुरीली बांसुरी निकालकर मनवा को उपहार स्वरूप या उसके इनाम के स्वरूप, सही रहेगा इनाम के स्वरूप, उसे दे दी। तो बच्चों ये है आपका चैप्टर नंबर 9 चतुर चरवाहा। चलिए अब आपका पार्ट 8 है भारत में हॉकी। अगर बात की जाए हॉकी की तो बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि हॉकी हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ये सच है कि हॉकी का जन्मदाता भारत नहीं है, हॉकी विदेश से हिंदुस्तान में आया, लेकिन हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल बन गया। और ये भारत में आया कहाँ से, अगर ये सवाल का जवाब होगा इंग्लैंड से, क्योंकि आपको पता है कि भारत पर अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया, तो ऐसे में वो अपने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में लेकर, जैसे कि चाय, ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं रेल जो लेकर जो आपके पश्चिम बंगाल में चलती है, वो कोलकाता में जो ट्राम चलती हैं वो भी वही अंग्रेज़ी लेकर आए थे। नील की खेती, जो आप नील देते हैं कपड़ों में, वो भी अंग्रेज़ लेकर के आए थे। हॉकी भी अंग्रेज़ लेकर आए थे, पर हाँ भारत ने इस खेल को अपनाया। और इसमें भारत ने अपना एक समय पे भारत ने इसमें अपना बहुत ही नाम कमाया। ठीक है, भारत एक प्राचीन खेल है और ये इंग्लैंड से हमारे हिंदुस्तान में आया। और इस खेल में अगर ख़ास तौर से किसी का नाम जाना जाता है तो वो है ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। वो हॉकी में हॉकी का जादूगर के नाम से उन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अगर देखा जाए तो भारत में 1925 में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी और तभी से हॉकी में भारत ने उन्नति की। और सबसे पहले भारत ने यूनान देश के ओलंपस पर्वत के नाम पर संसार में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हर चौथे वर्ष होता है। देखिए भारत ने इसकी जो शुरुआत की थी वो कब से की थी, 1925 ईस्वी में भारत में हॉकी संघ बनाया गया, उसके बाद 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया। अब देखिए ओलंपिक खेल का जन्मदाता कौन है, यूनान को माना जाता है क्योंकि वहाँ पर उनके पास उनके मतलब उनके देश में एक ओलंपस नाम का पर्वत है, उसी के नाम पर संसार में ओलंपिक खेलों को बनाया गया। और जो ये ओलंपिक खेल हैं, यानी कि ये ओलंपिक खेल जो है हर 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। भारत में 2010 में भी ओलंपिक खेल हुए थे, अभी 1928 ईस्वी में हुए, 1956 तक 6 बार विश्व जेता होने का गौरव प्राप्त किया। यानी कि आप देखिए 1928 से 1956 तक भारत ने हॉकी में अपना वर्चस्व लहराया, यानी कि पूरे 6 बार वो विजेता रहे हैं। 1960 में पाकिस्तान से वो हार गए थे, लेकिन भारत ने वापसी की 1964 में, उसने फिर से वापसी की भारत ने और अपना खोया हुआ आत्मसम्मान या गौरव वापस पा लिया। 1928 में ये देखेंगे आप ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार भारत 1928 में हॉकी के मैदान में उतरा था। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत से देशों के हॉकी दलों को पराजित यानी कि उन्हें हराया था खेल में और भारत की विजय पताका लहराई थी। यही वजह है कि उन्हें हॉकी का जादूगर नाम दिया गया। ऐसा नहीं है उनके खेल से खाली हाँ भारत देश ही नहीं, बाहर विदेशों के लोग भी उनसे प्रभावित थे। हिटलर भी उनके खेल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने कहा था कि अगर वो जर्मनी में आ जाए तो उन्हें मेजर से मार्शल बना देंगे। ठीक है, उसके बाद भारत ने बलबीर सिंह भी
1952 में हेलसिंकी में आयोजित ओलंपिक प्रतियोगिता में संसार का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए हैं। यानी कि मेजर ध्यानचंद के साथ साथ 1952 में बलवीर सिंह ने भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी, यानी कि ऐसी छाप जो कभी मिट ना सके। रूप सिंह, किशन लाल, बाबू दिग्विजय सिंह, ये भी आज भी पूरे विश्व में याद किए जाते हैं। हॉकी में इनका नाम आज भी है। अब आप देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत हॉकी के विकास की गति में धीमी पड़ी है, इसे भारत में इस खेल का भविष्य कुछ धूमिल सा हो गया है। अब अगर हम बात करें आज की सच्चाई की, तो आज की जो सच्चाई वो यह है बच्चों की, विडंबना ही समझ लीजिए आप, कि आज भारत देश में जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, आज वो राष्ट्रीय खेल ही हिंदुस्तान में लोग सबसे कम प्रिय पसंद करते हैं। आप सभी लोग क्या देखना पसंद करते हैं? क्रिकेट। आप सभी लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं? क्रिकेट को ही देखते हैं आप सभी लोग। लेकिन क्या आप लोग हॉकी देखना पसंद करते हैं? क्या आपको पता है हॉकी कैसे खेली जाती है? क्या कभी आपने खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा है? शायद ही देखा होगा। लेकिन अगर आपसे क्रिकेट के बारे में पूछा जाए तो आपको क्रिकेट के सारे खिलाड़ियों के नाम पता होंगे। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों ने ही उन्हें इतना प्रसिद्ध बनाया है, जबकि हम ये भूल गए कि हॉकी भी एक बहुत अच्छा खेल है। आपको पता है क्रिकेट से ज़्यादा फिट, तंदुरुस्त आपके दिमाग की जो जागरूकता होती है, एकाग्रता, वो हॉकी से बढ़ती है। क्योंकि हॉकी में आपको बॉल को अपने पास उसे कब्जे में लेना होता है, अपनी हॉकी स्टिक से मारना होता है, गोल करने होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका पूरा फोकस गेंद पर होता है, आपकी रणनीतियाँ बनती हैं। ऐसा नहीं है, रणनीतियाँ तो सभी खेलों में बनाई जाती हैं, लेकिन हॉकी खेल एक ऐसा, क्योंकि उसे भाग भाग कर उसमें खेला जाता है, तो उससे आपके शरीर तंदुरुस्त बना रहता है। माना क्रिकेट में भी आप भागते हैं, लेकिन क्रिकेट में आप रन लेने के लिए भागते हैं, लेकिन हॉकी में लगातार आपको भागना होता है, ठीक है। तो बच्चों, आप अगर चाहें तो हॉकी को प्रोत्साहन आगे आप दे सकते हैं। जिस तरीके से हमने अपने क्रिकेट प्लेयरों को इतना मान सम्मान देते हैं, तो हॉकी प्लेयर्स को क्यों नहीं दिया जाता? उन्हें हम क्यों ना दें इतना मान सम्मान? उन्हें भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का गौरव, हमारे देश के राष्ट्रीय खेल को वो अपनाते हैं, उसे खेलते हैं जिसे लोग पसंद भी नहीं करते हैं। अब देखिए, संसार में हॉकी के अपने कीर्तिमान को बनाए रखने के लिए भारतीय विद्यालयों में हॉकी खेलों को अनिवार्य कर देना चाहिए। ये एक सुझाव दिया गया है कि ज़रूरी कर देना चाहिए। इसे देश में हॉकी के खेल के विकास के साथ साथ बालकों के शरीर का भी उसका भी विकास होगा और शरीर भी हष्ट पुष्ट बनेंगे। तो क्लास, ये है आपके दोनों चैप्टर जिन्हें मैंने आपको एक सार के रूप में समझाया है। पार्ट 8, भारत में हॉकी, पार्ट 9, चतुर चरवाहा। आप सभी को इन दोनों पार्टों का बुक वर्क लर्न करना है, कल आप सभी का टेस्ट होगा। याद रखिएगा, सार समझाने के पीछे जो एक वजह है, रीज़न, वो ये है कि मैं आपका टेस्ट पार्ट के बीच में से भी ले सकती हूँ, तो इसलिए आप ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ खाली बुक वर्क का ही टेस्ट होगा। बुक वर्क तो आपको कंप्लीट करने के लिए है, टेस्ट आपकी किताब के बीच में से लिया जाएगा। थैंक यू।